सो गाइस फाइनली अपना पैकेज आ चुका है भाई केशन कस्टम से। आपको दिखाते हैं यहाँ बैठ के, देखो ये रहा वैसे तो भाई, ठीक है सामने यहाँ देखो केशन कस्टम की तुम बैजिंग देख रहे होगे। वैसे मैंने अनपैक ऑलरेडी कर दिया, सामने लिखा जीएसटी, तो इसके अंदर क्या वो बात कर लेते हैं पहले, इसे रखते हैं साइड में। एंड हियर इट इज, इसे लेके थोड़ा यहाँ बैठ जाते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैंने मंगवाई है रेडिएटर ग्रिल, और इसके साथ आपको भाई देखो एक कीचेन मिल जाता है, कीचेन में मिलती है आपको सामने कस्टम्स के यहाँ पे बैजिंग दिख जाती है, काफी अच्छा काफी प्रीमियम लग रहा है। और इसके साथ आपको दो स्टिकर मिल जाते हैं केशन कस्टम्स के, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली दिस पीस ऑफ आर्ट। म्यूट हूँ, जिसको नहीं पता ये है भाई रेडिएटर ग्रिल, जो कि भाई बाइक के रेडिएटर में लगती है, और अल्टीमेट कितनी लग रही है यार। बिल्ड क्वालिटी देखो इसके, तो प्योर मेटल की बनी हुई है, और इसमें देखो अगर तुमने नोटिस करा हो तो जीएसटी लिखा है, तुम्हारा भाई का नाम लिखा है दोस्तों इसमें। दोस्तों कस्टम रेडिएटर ग्रिल है ये, इसमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हो आप, कुछ भी नाम लिखवा सकते हो, किसी भी फॉन्ट का लिखवा सकते हो, किसी भी कलर का लिखवा सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। तो फुल कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है। तो अगर आपको ये ऐसी ग्रिल बनवानी है दोस्तों केशन कस्टम से, तो मैं इसका व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट बात कर सकते हो, और मेरा नाम ले दोगे तो थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा आपको, तो गो चेक इट आउट। और बहुत ही बेहतरीन चीज है, जल्दी से फटाफट बाइक पे लगाते हैं, किसी बाइक में मंगवा सकते हो, मेरे पे KTM RC है, R625 एक्चुअली, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है, बाकी आप किसी बाइक के लिए मंगवा सकते हो, इसमें रेडिएटर लगा हुआ है। तो बस उन्हें कॉन्टेक्ट करो, बताओ और अपना डिजाइन वगैरह चूज करो, और ऑर्डर आपके घर आ जाएगा फटाफट से। और बेल्ट क्वालिटी तुम देख रहे हो भाई, एकदम प्योर मेटल है, बढ़िया इसे लगाते हैं फटाफट नीचे। और देख रहे हो तुम लगाने का सिस्टम, चार ये होल दे रखे हैं, इनमें स्क्रू फिट करना है मेरे को, तो नीचे चलते हैं दोस्तों फटाफट लगाते हैं इसे, देखते हैं कैसी लग रही है। लगने वैसे पहली बार ही कर रहा हूँ ये काम, तो मेरे को इतना आइडिया है नहीं वैसे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है देखो ये ऐसे लगेगी। तो दो जो यहाँ पे होल दिख रहे हैं और नीचे जो दो होल दिख रहे हैं, तो इनके सूटेबली हमें कुछ करना है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हें दो स्क्रू दिख रहे हैं, एक स्क्रू ये है, एक सेकंड, एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दो स्क्रू तो वहाँ लग जाएंगे, दो होल तो, प्लस मुझे इसके नीचे दिख रहा है ये इसका गार्ड लगा हुआ है, रेडिएटर गार्ड है, ऑलरेडी जो लगा हुआ था कंपनी से, इसके नीचे मुझे स्क्रू दिख रहा है, तो पहले हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के थोड़े से स्क्रू साइड में भी हैं, तुम देख पा रहे होगे वो रहे स्क्रू, वो निकालेंगे, फिर ये रेडिएटर बाहर आ जाएगा, मतलब ग्रिल बाहर आ जाएगी, रेडिएटर बाहर नहीं आएगा। फिर इसे लगाने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए करते समय एक चीज़ को बहुत ध्यान रखना, आपकी बाइक एकदम ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल भी भाई इंजन गर्म होगा तो भाई तुम्हारा हाथ जलने का खतरा रहता है, क्योंकि इसके पीछे बैंड पाइप दे रखा है बाइक का जो इंजन से आ रहा है एग्जॉस्ट में, तो वो बहुत गर्म हो जाता है और फिर हाथ जलने का खतरा रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाइक एकदम ठंडी होनी चाहिए, इंजन ठंडा होना चाहिए। ग्रिल लग चुकी है फाइनली, देखो कुछ ऐसा यहाँ पे लग रही है लगने के बाद ही, वाओ है ना वैसे बेहतरीन। एक्चुअली क्या है भाई, अगर सिंपल ब्लैक होती तो इतना पता नहीं चलता, इसमें कस्टमाइज मैंने जीएसटी लगवा रखा है, तो अलग ही थोड़ा सा अलग ही दिख रही है दूर से ही, थोड़ा देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भी अलग ही दिख रही है अगर साइड से देखेंगे तो। तो इसके साथ भाई इसके ऑलरेडी जो ग्रिल लगी हुई थी रेडिएटर के लिए मैंने निकाल दी है, और इसके साथ देखो ये कुछ स्क्रूज थे, काफ़ी इसे निकालने में काफ़ी मशक्कत लगी है। तो उसके बाद ये लग गई है, तो भाई आई होप मुझे लग रहा है अच्छी लग रही होगी भाई, मुझे तो काफ़ी सही लग रही है, आप लोग बताओ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। एंड या भाई इसी के साथ अब इस वीडियो करते हैं एंड, दोबारा फिर से बता देता हूँ आपको, केशन कस्टम्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लो, मिल जाएगी आपको, अपने नाम की बना सकते हो, कैसे बनवा सकते हो। एंड या भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। छिपछतुर दिया फेम अजकल आउंदा है सतारा विच नेम अजकल, तेरे करके गाने साडे नहीं चलते, लंडू लाउंदे मेरे ते बले अजकल।